Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. My name is Lakshmi Rane. In this video, we are going to do question answer of standard 7th English. And the story is the essays that made trees bloom. इस वीडियो में हम लोग हॉनीकॉम बुक से क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश से द एसेज दैट मेक ट्रीज ब्लूम का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन चेक. तो इसका पहला क्वेश्चन है, पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मारा. सो हियर इज योर आंसर. पड़ोसियों ने गुस्से में कुत्ते को मार डाला. उन्हें उम्मीद था कि कुत्ता उन्हें खजाना दिलाने में मदद करेगा, लेकिन कुत्ता क्या करता है, उन्हें एक दुर्गंध युक्त मृत बिल्ली के पास लेकर चला गया था. नेक्स्ट है, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है. बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी कुत्ते से प्यार करते थे, तो इनमें से क्या हो जाएगा, मानो उनका अपना बच्चा हो, जैसे कि यह उनका अपना बच्चा था. नेक्स्ट है, जब बूढ़ा जोड़ा अमीर हो गया तो वे आराम से रहते थे और अपने गरीब पड़ोसियों के प्रति उदार थे. ओके, नेक्स्ट वन इज द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक. क्या बनाने के लिए उन लोगों ने लाया था, तो सोने का ढेर. लालची दंपति ने बनाने के लिए और लाया था क्या, तो सोने का ढेर. क्वेश्चन है, बूढ़ा किसान एक दयालु व्यक्ति है. पहले दो परिच्छेदों में आप उसकी कृपा का क्या प्रमाण पाते हैं. Whatever, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ रिटन डैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड. पहले पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो बूढ़ा किसान था वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह मानता था. ही विल फीड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश विथ ये ओन चॉप स्टिक एंड ऑफर्ड बॉयल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वॉन्टेड. वो उस डॉग को मछली की छोटे छोटे पीसेज देते थे खाने के लिए चॉप स्टिक से, और बॉयल्ड किए हुए चावल देते थे खाने के लिए जितना उसे चाहिए. द सेकेंड पैराग्राफ सेज डैट टू प्रोवाइड फूड टू द बर्ड्स द ओल्ड फार्मर विल ऑफ्टन टर्न अप द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड. बोथ दिज इंस्टेंसेज प्रूव डैट द ओल्ड मैन वॉज अ काइंड पर्सन. सॉरी, और दूसरे पैराग्राफ में कहता है कि पक्षियों को भोजन प्रदान करने के लिए बूढ़ा किसान अक्सर जमीन की सतह को पलट देता था, और इससे ये प्रूफ होता है कि इन उदाहरणों से ये साबित होता है कि बूढ़ा व्यक्ति क्या था, एक दयालु इंसान था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. किसान को छिपी हुई सोने तक ले जाने के लिए डॉग ने क्या किया, कुत्ते ने क्या किया. द डॉग केम रनिंग टूवर्ड्स द फार्मर. कुत्ता दौड़ते हुए किसान की तरफ आया. इट कीप्स इट्स हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विथ इट्स हेड इट कीप्ड ऑन डायरेक्टिंग टूवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम. द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर द डॉग बट इट कीप्ड ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रॉम अंटिल द फार्मर फॉलोड इट टू द स्पॉट. क्या किया, उसने अपने पंजों को अपने टांगों से सटा रखा था और अपने सिर को अपने पीछे एक जगह की ओर निर्देशित कर रहा था. बूढ़े व्यक्ति ने शुरू में डॉग को क्या किया, नज़रअंदाज किया, लेकिन वह तब तक चिल्लाता रहा और इधर उधर भागता रहा जब तक कि किसान ने उसका पीछा नहीं किया. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट. कुत्ते की आत्मा ने सबसे पहले किस प्रकार किसान की मदद की, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो फर्स्टली मैं फर्स्ट का आंसर दूंगी. द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव टू मेक मॉर्टर एंड मील. दिस मॉर्टर एंड मील गेव हिम अ हीप ऑफ गोल्ड. किसान के सपने में कुत्ते की आत्मा आई और उसने सबसे पहले चीड़ के पेड़ को काट कर उसका गाढ़ा और हाथ चक्की बनाने को कहा. ओखली और चक्की से इसने किसान को सोने के ढेर दिए थे. हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट. इसे उसे आगे कैसे मदद मिली. द डॉग्स स्प्रिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रिंक फॉर द सेकेंड टाइम एंड टोल्ड द फार्मर टू कलेक्ट द एश ऑफ द मॉटर एंड द मील एंड स्प्रिंकल इट ऑन द
wither trees and they will blossom. The farmer did this in front of the daimyo, the landlord, and was awarded to lavish gift. कुत्ते की आत्मा फिर से किसान के सपने में दूसरी बार आती है और किसान से कहती है कि ओगली और चक्की की राख को इकट्ठा करके सूखे हुए पेड़ों पर छिड़को और वे खिल जाएंगे, ब्लूम हो जाएंगे। किसान ने जमींदार के सामने ऐसा किया और फिर उसे एक भव्य उपहार दिया गया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द डैमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। डैमियो ने, जो वो जमींदार था, किसान को पुरस्कृत किया लेकिन उसके पड़ोसी को उसी कृत्य के लिए दंडित क्यों किया? जो काम फार्मर ने किया था वही उसके नेवर ने किया था, तो एक को प्राइज दिया गया और एक को पनिशमेंट दिया गया, क्यों? द फार्मर हैड स्प्रिंकल द ऐश ओवर द विदर चेरी ट्री एंड इट ब्लूज्ड। डैमियो वॉज प्लेज शिंग द मेडिकल एंड ही रिवॉर्डेड द फार्मर। किसान ने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर राख छिड़क दी थी और वो फूल गया था। डैमियो चमत्कार देखकर प्रसन्न हुआ और उसने किसान को पुरस्कृत किया। हिज नेवर पॉर्ड द एश ओवर द चेरी ट्री बट नथिंग हैपेंड टू द ट्री। उसके पड़ोसी ने चेरी के पेड़ पर राख डाली लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ। फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द एश इंटर द आईज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। और राख के सूक्ष्म छोटे छोटे जो कण होते हैं वो डैमियो और उसके पत्नी की आंखों में प्रवेश कर गया। दे बिगेन टू स्नीज एंड कफ। वे छींकने और खांसने लगे। दिस स्पॉइल्ड द स्प्लेंडर ऑफ द प्रोसेशन एंड सो द नेवर वॉज पनिश्ड बाय मैन ऑफ द लैंडलॉर्ड। और इससे जूलियस की शोभा क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। और इस तरह से पड़ोसी को जमींदार के आदमी द्वारा दंडित किया जाता है। नेक्स्ट वन है आपका वर्किंग विथ टेक्स्ट। इसमें आपको रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, फिर आपको नोटिस करना है व्हाट, हु, वेयर, जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो, और उसके बाद आपको व्हेन, व्हाई, वेयर, विच और हाउ से जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद है कि जैसे यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ दिया गया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चन ऑन द फ्रेजेस। इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे पुट कर रही हूँ। जैसे अनिल इज़ इन स्कूल, आई एम इन स्कूल टू। अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अनिल फ्रेंड इज़ सिटिंग इन द सेकेंड रो, ही इज़ शार्पनिंग हिज पेंसिल। द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। तो इसका आंसर हम करेंगे, वेयर इज अनिल, विच रो इज अनिल सिटिंग इन, व्हाट इज ही डूइंग, विच रो इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग इन, व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग, हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाट आर सम ऑफ द चिल्ड्रन डूइंग। ओके, सो नेक्स्ट इज राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए गए हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को फील करना है। तो डायरेक्टली इसका आंसर देखते हैं। नेहा, व्हेन डिड यू गेट दिस बुक? शीला, यस्टरडे मॉर्निंग। नेहा, व्हाई इज योर सिस्टर क्राइंग? शीला, बिकॉज सी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। नेहा, हुज रूम इज दिस, योर्स और हर्स? शीला, इट्स आवर्स। नेहा, हाउ डू यू गो टू स्कूल? शीला, वी वॉक टू स्कूल, इट इज नियर बाय। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको आपको फील करना है। इसका हम देख लेते हैं आंसर। माय फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट। सेकंड, देयर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप्स, नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय। थर्ड, यू डोंट नो द वे टू माय स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर। फोर्थ, यू शुड डिसाइड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। फिफ्थ, Do you know how to ride a bicycle? I don't remember when and where I learned it. Sixth, you should know when to talk and when to keep your mouth shut. The teacher advised Anil.
तो यहाँ रहा आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आओगा। मैंने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर को जितना शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते थे मैंने किया, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है। आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।